हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर। सो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लाइट। 11th स्टैंडर्ड में लाइट ऑप्टिक्स एक ब्रांच होता है फिजिक्स का, उसके नीचे आता है। ओके, एंड ऑप्टिक्स में हम लाइट ही पढ़ते हैं पूरा, और इन डिटेल पढ़ते हैं। आपको एक पूरा बुक एक ऑप्टिक्स के ऊपर पढ़ना है। सेकेंड थिंग सर, 11th एंड 12th, जैसे मान लो 10th स्टैंडर्ड में क्या है सर, तो 10th स्टैंडर्ड में बेसिकली लाइट के दो अप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। एक होता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन और एक होता है भाई रिफ्रैक्शन। ऐसे दो एप्लीकेशंस होते हैं इसके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी हम देखते हैं, जैसे इस पूरे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ रिफ्लेक्शन, जो आपने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और सीबीएसई में 10th स्टैंडर्ड में। और बाद में पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन, जो टोटली दोनों को भी है, 11th जैसे मान लो सीबीएसई को भी है, स्टेट बोर्ड की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, रे लाइट यानी क्या चीज होता है। तो भाई सर, जो बल्ब होता है वो भी लाइट होने वाला है। ओके, लाइट जैसे मैं बोलता हूँ तो सबसे पहले एक भगवान आपके दिमाग में आता है, वो होते सूरज भगवान। ओके, यानी सन, सन से हमें लाइट मिलता है। उसके बाद में आते भी मून। ओके, और अलग आते स्टार्स। सर इनका काम क्या होता है, तो बेसिकली इनके कारण हमें लाइट मिलता है। ओके, लाइट यानी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है जिसके कारण हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। यही तक के लिमिटेड नहीं है, तो फिजिक्स में हम इसके अलग अलग फिनोमिनन्स भी पढ़ने वाले हैं। लाइक कौन सा सर, तो इसमें होगा रेनबो, आपने देखा होगा ज्यादा, इंद्रधनुष्य मानते अपन मराठी में। तो इस रेनबो के भी बारे में पढ़ेंगे, जिससे लाइट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। सेकेंड होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपने देखा होगा स्टार ट्विंकल तो नहीं करते, लेकिन दिखते क्यों है भाई ट्विंकलिंग करके, तो उसके पीछे भी क्या होता है, एक लाइट का फिनोमिनन होता है। तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। अभी सर एक लाइट के बारे में थोड़ा और डिटेल बताओ, तो बेसिकली लाइट क्या है भाई, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने देखा था साउंड, तो साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट भी क्या होगा, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड थिंग देखते हैं इसका, जैसे मान लो लाइट को बोला जाता है इट्स अ टाइप ऑफ वेव, तो वेव कौन सा होगा, वो ट्रांसवर्स वेव होगा। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन लाइट साउंड सेक्शन, तो उसमें एक बार वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल मीडियम के डायरेक्शन को क्या होते हैं भाई, टी को उल्टा कर दो, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, और स्पेसिफिक पूछा तो बोला जाता है लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज EMW वेव। इसका भी एक 11th स्टैंडर्ड में आपको 11th एंड 12th में डिटेल चैप्टर होता है। अभी आप सिर्फ फैक्चुअल डाटा याद रखो। ट्रांसवर्स वेव्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव्स होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से बन जाती है। ओके, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो देखते आगे, एक और चीज होता है, ऐसा बोला जाता है लाइट एक ऐसी चीज है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, बिकॉज उसका नेचर पार्टिकल नेचर माना जाता है, वेव नेचर भी होता है उसका। ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे भाई 11th में। ओके, सेकेंड चीज, आज पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट। मैं हर बार बोलूंगा मैंने एक मिरर लिया, उसको रे ऑफ लाइट फेंक के मारा। ओके, या फिर अलग कुछ बोल सकता हूँ। तो सर ये रे ऑफ लाइट क्या है, तो बेसिकली एकदम सिंपल कंसेप्ट होता है, रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट द पाथ होता है, एक पाथ होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करता है। जैसे मान लो इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या है, तो इस फिगर में आप देख पाते हो ये जो आपको ऐसे रेज दिखाई दे, जैसे मैंने येलो लाइन से दिखा रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होगा, रे तो पाथ होगा, जिस पाथ से रे ट्रेवल करता है, इसे कहा जाता है रे ऑफ लाइट, लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करने वाला है वो। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इससे कुछ फिनोमिनन्स में पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन। अब एक सिंपल चीज है, रिफ्लेक्शन क्या है सर, तो लाइट क्या करेगा, किसी भी मिरर के ऊपर गिरेगा। ओके, लेट से मिरर है, अभी ये प्लेन मिरर होगा, अलग अलग टाइप के मिरर भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो इस बंदूक से एक लाइट निकल रहा है भाई। ओके, इंसिडेंट हो गया भाई इसमें मिरर के ऊपर, इंसिडेंट होने के बाद में क्या हो गया, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया एक अलग डायरेक्शन में, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अभी देखो जो वेव मिरर के ऊपर आ रहा है एंड इंसिडेंट हो रहा है, इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ओके, मैं वेव नहीं बोलूंगा, रे बोलूंगा। और जो रे मिरर से दूर भाग रहा है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। सर दोनों के बीच में एक लाइन भी दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन निकालता हूँ दोनों के बीच में, इसे कहा जाता है नॉर्मल, जो होता है परपेंडिकुलर टू द मिरर। ओके, जैसे देखो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक लाइन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इट्स नथिंग बट द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द रे। ओके, जैसे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम आई से दिखाते हैं। और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल होता है भाई रिफ्लेक्शन। एक थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एडवांस के ऊपर जाएंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाएं, जर्नी होगा अपना पूरा। तो ये सारे रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने सुना भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, एकदम सिंपल सिंपल। इंसिडेंट रे लाए ऑन द वन साइड, रिफ्लेक्टेड रे लाए ऑन द सेकेंड साइड ऑफ नॉर्मल, ये बच्चों वाली पूरी चीज इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, अभी आएगा मजा।
तो सर इसमें मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर क्या चीज होता है? तो जब भी लाइट आता है तो मिरर आने वाले, तुम्हारे घर में जो मिरर है वही मिरर हम इसमें पढ़ने वाले। तो टाइप्स ऑफ मिरर दो होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर तुम्हारा, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो जैसे मान लो स्पीयर है, स्पीयर को हम दो हाफ में कट कर देंगे, हेमी स्पीयर बोलेंगे उसे। ओके, तो प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप होते हैं भाई, एक होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अभी देखो अपनी दीदी है, ओके, जैसे लैला है भाई यहाँ पे, मजनू आएगा आगे अभी, तो लैला दीदी क्या कर रही भाई, है आदत है लैला दीदी को मिरर में देखने का, तो देख रही जो ये मिरर है बेसिकली इट्स अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्यों, बिकॉज लैला दीदी जो थी वैसे खुद ही उसको दिख रहा है, मैंने जैसे वो थी वही उसको दिखेंगी वापस। तो उस केस में जो मिरर यूज होता है उसे कहा जाता है प्लेन मिरर। अभी प्लेन मिरर एक सिंपल मिरर होता है, एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से हम फिजिक्स में इसे दिखाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस एक दो ही चीजें हैं जो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स के बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार यूज होता है। तो एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब ये बनते कैसे, तो मान लो टेनिस का बॉल तुमने लिया, पता है टेनिस का बॉल, आगे एग्जाम्पल देता हूं मैं उसका, उसको ब्रेक कर देंगे हम दो इसमें, तो ये जो पूरा एक सरफेस फॉर्म हो जाता है इसे कहा जाता है कॉनकेव। ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये वाला, तो इसे कहा जाता है इट्स अ कॉनकेव मिरर, यानी केव फॉर्म हो रहा है इसमें। केव यानी क्या होगा भाई, केव वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। केव यानी क्या होता है रे, गुफा जिसे मराठी में कहते हैं, जिसमें भाई गुफा होगा वो कौन सा होगा तुम्हारा, केव, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कौन सा होगा, उल्टा वाला, जो अगर पतेले को तुमने उल्टा रख दिया, ओके, कटोरे को अगर उल्टा रख दिया, तो ऊपर वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स सरफेस। तो ऐसे दो टाइप के मिरर्स होंगे, हम देखेंगे इसे, पढ़ेंगे अभी। सेकेंड चीज, टाइप्स ऑफ मिरर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स देखा हमने, तो बेसिकली ये बनते कैसे, तो जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, लेट से टेनिस बॉल मान लो, ओके, प्रॉपरली समझेंगे, प्रॉपरली फील करेंगे हर चीज को, तभी ये पूरा कंसेप्ट आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। और ये 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा, सो दैट आपके पूरे कन्फ्यूजन होंगे न्यूमेरिकल्स में या फिर अलग अलग टिक्स इसमें कंसेप्ट में, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ रे, इस टेनिस बॉल को दो हाफ में कट कर देता हूँ, इक्वली दो हाफ में। अभी देखो जो नीचे वाला सर्फेस और एक ऊपर वाला सर्फेस ऐसे मिल जाता है तुम्हें, तो इसी के इसका यूज करके हम क्या करते हैं, दो टाइप के मिरर्स बनाते हैं। ओके, एक होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कहा जाता है इट्स अ कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग यानी क्या होता है भाई, वो जोड़ने का काम करता है। दो रेज अगर उसके ऊपर तुमने फेंक के मार दी, वो क्या करेगा, दो रेज को जोड़ने का काम करता है। ओके, और कॉन्वेक्स क्या करता है भाई, कॉन्वेक्स तोड़ने का काम करता है। जैसे अभी तो वीक भी अच्छा चालू है, ओके, तो बेसिकली दो लोगों को जोड़ने का काम कौन करेगा, कॉनकेव यानी केव में घुस जाएंगे। ओके, और कॉन्वेक्स क्या होगा भाई, वो दूर भागेंगे। दोनों भी रेज क्या करेंगे, जैसे मान लो एक मूवी आया था जुदाई करके, तो दो रेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते जाएंगा, है ना, ये शायद लड़की का बाप या कोई तो भी और होगा जो ऐसे काम कर रहा है। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा रे, तो कॉन्वेक्स मिरर लैला और मजनू को दूर करेगा, और कॉनकेव क्या होगा भाई, वो लैला और मजनू को क्या करेगा भाई, पास में आएगा। अभी लैला मजनू कौन है, तो मजनू भी एक रे है, इंसिडेंट रे, और जैसे मान लो दोनों भी इंसिडेंट रे होंगी इसमें, तो ऐसे आपको याद रखना है। अभी इसमें कुछ फिनोमिनन्स भी होते हैं, हम वो याद रखेंगे। अभी आपको ऐसे याद याद कैसे करना है वो देख लो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल एक स्पीयर ड्रॉ करता हूँ। लेट से अभी ये 2D वाला सर्कल होगा तुम्हारा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। सर्कल होगा भाई तो सर उसके पास में सेंटर भी होगा। ओके, अभी सेंटर ले लिया मैंने, अभी मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दियो। ओके, दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद में इसे इसके दो पार्ट हो गए, ये वाला पार्ट इधर चला गया और ये वाला पार्ट इधर चला गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कोटिंग करता हूँ। कोटिंग यानी क्या होता है, यानी एक ही सर्फेस हमें उसका काम में लेना है, दूसरे सर्फेस को क्या करना है, इनएक्टिव करना है। तो इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में कॉनकेव मिरर में केव वाला पार्ट देखो कौन सा, ऐसे मिरर निकाला तो केव वाला अंदर वाला पार्ट है, तो अगर अंदर के इसमें लाइट गया तो रिफ्लेक्ट होगा, यानी मान लो कि इधर लाइट गिरा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, लाइट को वैसे के वैसे रह जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होगा सर, तो कॉन्वेक्स में उल्टा होगा भाई, इसमें लाइट कॉनकेव में तुम किस में लाइट डाल रहे थे, केव में डाल रहे थे, कॉन्वेक्स में क्या करोगे, कॉन्वेक्स में लाइट इंसिडेंट होगा उल्टे वाले पार्ट पे, केव पे नहीं लेकिन आउटसाइड पार्ट पे, आउटर वाले पार्ट पे इंसिडेंट होगा। ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये समझ लो क्या चीज होता है, डायमेंशन वगैरह क्या चीज है, जो भी टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हो। तो समझ में आ गया, कॉनकेव कॉन्वर्जिंग जोड़ने का काम, कॉन्वेक्स क्या करना है तोड़ने का काम, यानी डाइवर्ज करता है दोनों रेस को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ टर्म्स हमें इसमें पढ़नी है, एकदम सिंपल टर्म्स होती है सारी के सारी, ठीक है। ये सारे फिगर्स मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, टेंथ शायद वो चैप्टर पता नहीं मुझे, लेकिन 10th एनसीईआरटी का ये चैप्टर होता है लाइट। ओके, चलो देखो, अभी सबसे पहले होता है सर
किसी भी मिरर के पास में उसका पोल, यानी जैसे अपने बॉडी में भी एक सेंटर होता है, वैसे ही मिरर के पास में भी एक सेंटर होता है। तो पूरे मिरर के पास में जो बीच वाला पॉइंट होता है, सेंटर वाला, इसे कहा जाता है पोल। ओके, यानी सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी ऊपर वाला हम कंपेयर करेंगे, कॉनकेव होगा, नीचे वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स, और मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर निकालता हूँ ऐसे। ठीक है, अभी इसे हम प्रॉपरली फिगर से प्रॉपर समझेंगे। तो मिडल पॉइंट होगा, उसे कहते हैं हम पोल। इसमें भी क्या होगा रे, मिडल पॉइंट यहाँ पे होगा पोल, और इसमें भी क्या होगा, मिडल पॉइंट यहाँ पे होगा पोल। ओके ठीक है, अब प्लेन का नहीं देखते अभी, पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स का देख लेंगे, बाद में प्लेन एकदम सिंपल है, वो तो एक सेकंड में हो जाएगा, ये समझ में आ गया तो ठीक है चलेगा। अभी देखो, कॉनकेव मिरर बनता था एक सर्कल से, तो अगर मैंने सर्कल का सेंटर देखा और पोल में का डिस्टेंस निकाल लिया, तो आपको ये रेडियस दिखाई दे रहा है, ओके, रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन मैं इसे बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज तुमने क्या लिया, सर्कल तो नहीं लिया है लेकिन एक कर्व लिया उसका। ओके, इसीलिए इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रटो मत, ध्यान रखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका होगा भाई, स्पीयर का होगा, जो भी तुमने लिया है, कट किया है, स्फेरिकल शेप। ओके, सेम यहां पर भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। अभी देखो, जो भी एक्सिस, एक हम एक्सिस लेंगे, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों में से पास हो रहा है। अगर एक एक्सिस होगा, एक लाइन होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से पास होता है, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों चीज समझ में आ गए, एक होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होगा पोल। अभी इसमें ध्यान रखना है, सिंपली कॉनकेव पूछा ना भाई तो राइट वाला पार्ट लो, कॉन्वेक्स पूछा ना तो लेफ्ट वाला पार्ट लो। ओके, आपके लेफ्ट वाला राइट, यानी क्या होगा, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग, इसके लिए क्या होगा, ये आउटर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो इसे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो और एक डेफिनेशन इसके होते हैं, यानी जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स की डेफिनेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चीज, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एक जो फोकल लेंथ होता है, वो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों भी टर्म्स अपने लास्ट इसमें मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, साइन कन्वेंशन, अगर ये समझ में आ गया भाई तो झिंगा लगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा इसमें। क्या करेंगे रे सर, तो बेसिक चीज है, सबके पास में, सारे मिरर्स ले लो, उसके पास में भाई एक पोल होता है, तो मैंने ले लिया एक पोल, ठीक है। चलो सर, हो गया, पोल आ गया। अभी क्या करना है तुम्हें, अभी सभी काम पोल से करना है, यानी तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट होगा, जो रेस में रहता है ना स्टार्टिंग वाला पॉइंट, वो तुम्हारा पोल होगा, पोल के रेफरेंस में, और सेकेंड रेफरेंस होगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल की इसमें, ठीक है। तो दो आपको रेफरेंस लेना है किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है चलेगा। चलो अभी क्या होगा, तो सिंपल चीज है, अगर मैंने किसी भी मिरर के, देखो एकदम ध्यान से सुनना है सारी चीजें, अगर मैंने किसी भी मिरर के पोल से अगर इस साइड में चालू किया, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर मैंने चलना चालू किया, तो मेरे सारे वैल्यूज आ जाएंगे भाई पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे बोला है। अगर मैं पोल पे रहूंगा, कोई भी, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है किसका, हाइट निकालना है, वेट निकालना है, कुछ भी निकालना है, स्टार्ट करना है तुमको पोल से, सारे किधर भी भटकते रहोगे तो सीधा पोल पे आ जाओ। पोल से देखो, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर है, किधर भी होगा, तुम पोल से ही चालू करना स्टार्ट। अगर तुम पोल से इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो सारे वैल्यूज आएंगे पॉजिटिव, अगर तुम पोल के इस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई तो सारे वैल्यूज कौन सी आएंगी तुम्हारी, निगेटिव आ जाएंगी। देखो डायरेक्शन, देखो कहाँ पे जाना है, पोल की तरफ। एक्सिस वगैरह इसमें कुछ भी ध्यान में मत रखो, मैं जो कन्वेंशन बोल रहा हूँ वही आपको याद रखना है। ओके, ये पूरे प्रॉब्लम के लिए सबसे सिंपलेस्ट कन्वेंशन होगा, ठीक है चलेगा सर, हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक तो पोल का हो गया, लेकिन सर आप मुझे ऊपर और नीचे भी जाना है, तो बेसिकली उस टाइम यूज करो एक्सिस का। रेफरेंस क्या होगा भाई तुम्हारा, एक्सिस, किधर भी रहोगे एक्सिस के ऊपर आओगे। अगर एक्सिस से तुम ऊपर डिस्टेंस जा रहे हो, यानी ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, तो बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा हाइट पॉजिटिव, यानी तुम पॉजिटिव हाइट गिन रहे हो। अगर तुम एक्सिस से नीचे जा रहे हो तो तुम्हारा हाइट क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली दो रेफरेंस होंगे, फर्स्ट रेफरेंस क्या होगा तुम्हारा, पोल, पोल के इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, पोल के इस साइड जाओगे तो निगेटिव। इसका यूज मैं बताऊंगा, एप्लीकेशन अभी सिर्फ सुन लो। रेफरेंस लाइन सेकंड क्या होगा तुम्हारा, रेफरेंस पॉइंट, एक्सिस होगा, एक लाइन होगा, एक्सिस के ऊपर सर पॉजिटिव होता है, एक्सिस के नीचे क्या होता है, निगेटिव। बस इतना समझ में आ गया तो पूरा ऑप्टिक्स या फिर जो लाइट है तुम्हारा इजी चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यही सारा चीज इसमें लिखा है, एक बार पढ़ लेना तुम भी, ठीक है। और मैं बोलूंगा फिगर बनाओ फिजिक्स में, अगर आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा बना रहे हो, प्रॉपरली वहां पे नोटेट कर रहे हो, तो इमेजिन कर रहे हो, तो ईजी जाता है बहुत। अभी कुछ चीजें हमें सीखनी है, जैसे मान लो इसमें मिरर क्या करता है, मिरर एक कौन सा भी मिरर ले लो, ए मिरर ले लिया, ए मिरर ले लिया, तो हम हमेशा क्या करते हैं, मिरर में ऑब्जेक्ट एक रखते, उसका एक इमेज देखने वाले हम, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के लेफ्ट साइड में रखता है, यानी बेसिकली आपके लेफ्ट साइड में। मान लो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड में, ये भी साइन कन्वेंशन है, उसके बाद में मैं जो लिखा है उसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के कहाँ होंगे रे, लेफ्ट साइड में। सपोज मान लो ये मिरर कॉन्वेक्स है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये क्या, किसका ये होगा, ये ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, चाहे मिरर स्पेरिकल हो
चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। इमेज कहाँ पे मिलेगा सर? तो इमेज कहीं पर भी मिल सकता है, कभी आगे मिलेगा, कहीं नीचे, जैसे आगे तो कोई भी नहीं मिलता, नीचे मिल सकता है, ऊपर मिल सकता है, कैसे भी। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ पे रखेंगे? देखो ये भी लिखना है आपको, शायद मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया था। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ड कहाँ पे होगा? ऑलवेज केप्ड ऑन लेफ्ट साइड। ओके, एंड इमेज जो जो मान लो, जैसे मान लो ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, और जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जैसे हम मानेंगे उसे इरेक्ट बोलेंगे, यानी ऊपर रहेगा, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों चीज भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करते हैं हम? लेफ्ट साइड ऑफ मिरर में, और कहाँ पे होता है वो? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब देखो, अब मजा आएगा, ध्यान। ओके, इमेज कहाँ पे मिलेगा? तो इमेज कहीं पर भी मिल सकता है भाई, कहीं पर भी। तुम मिरर ए ले लो, एक तो मिरर आगे भी मिलेगा इमेज, पीछे भी मिल सकता है, इधर भी आगे मिलेगा पीछे मिलेगा, कहीं पर भी इमेज तुम्हें मिल सकता है। तो इमेज के भाई होते हैं दो टाइप। ये अगर वापस तुमको ये ट्रिक याद रखना है, एक होता है तुम्हारा रियल इमेज, एक होता है तुम्हारा वर्चुअल इमेज। अभी रियल और वर्चुअल समझ में आता है क्या रे? जैसे ऐसा बोला जाता है कि अभी जो वीक है, इट्स अ वर्चुअल वीक, है ना? जो भी वीक है, जिन लोगों को पता होगा भाई, है ना, सब मोह माया रहती है, तो अभी ये वीक वर्चुअल वीक होगा। ओके, वर्चुअल इन द सेंस दिखावा होता है पूरा का पूरा। रियल इमेज कौन सा होगा फिर? रियल एज कौन सा होगा भाई? 19 फरवरी, है ना, शिवाजी महाराज का जयंती, रियल होता है, प्रॉपरली सब लोग फील करते हैं। ये सारा तो टाइम पास के लिए होता है जो वीक चल रहा है अभी, ठीक है? तो अलग अलग है, तो कैसे भी समझो, मैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा सो दैट वो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे, ठीक है? तो वर्चुअल इमेज आने क्या होगा, रियल इमेज आने क्या होगा? सपोज मान लो तुम्हारा इमेज अगर फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट का तो पता चल गया तुम्हें, अभी हम बात करेंगे इमेज के बारे में। अगर तुम्हारा इमेज फॉर्म होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, देखो एक ही कीवर्ड से इसमें क्या है भाई, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी मिरर कौन सा भी हो, जैसे मान लो ए मिरर है और ए मिरर है, अगर मिरर के सामने, लेट से जिधर डायरेक्शन इंसिडेंट होता है मिरर का, जैसे मान लो ए होता है उसका फ्रंट साइड, जिधर से रे उसके ऊपर इंसिडेंट होता है वो होता है फ्रंट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है। ये भी क्या होगा? इसका फ्रंट साइड होगा, और ये क्या होगा? इसका बिहाइंड, यानी क्या होगा? बिहाइंड और फिर बैक साइड, पिछवाड़ा होगा। ओके, बिहाइंड या फिर बैक साइड, ठीक है? फ्रंट साइड कौन सा होगा? जिधर से रे आ रहा है, इट्स अ फ्रंट साइड। और बैक साइड कौन सा होगा? जिधर रे जा रहा है वो बैक साइड, मिरर का पिछवाड़ा होगा, उसके बिहाइंड वाला या फिर बैक साइड वाला, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, तो रियल इमेज क्या होगा रे? तो रियल इमेज होगा हमेशा इन्वर्टेड, यानी बेसिकली इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म हो रहा है, यानी मिरर के आगे फॉर्म होगा, कभी भी छुपा नहीं रहता है, ठीक है? अभी देखो, जो भी इमेज मिरर के फ्रंट पे फॉर्म होता है ना, बेसिकली इट्स अ इन्वर्टेड इमेज। ये भी आपको लिंक करना है सारी चीजें। देखो क्या हो गया, इन फ्रंट बोला तो हमेशा इमेज कैसे रहने वाला है? इन्वर्टेड रहने वाला है। इन्वर्टेड यानी क्या सर? इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड यानी जैसे आपने बैट्स देखे होंगे, वटवांगुल, वो क्या रहता है भाई? उल्टे लटके हुए रहते हैं। तो इमेज भी वो इन्वर्टेड बोला ना, तो ये एक्सिस है, सपोज लो ये ब्रांच है, इसको ऐसे उल्टा लटका रहेगा इमेज। ओके, ऐसे, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड। सर इरेक्ट कौन सा होगा? तो एक्सिस के ऊपर होगा भाई, तो इरेक्ट होगा, यानी एक्सिस के ऊपर है, ऐसे खड़ा होगा सीधा तो इरेक्ट होगा, लटका होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड यानी उल्टा बोलेंगे, ठीक है? तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कौन सी इमेज का देख रहे हैं? रियल इमेज का, ठीक है, चलेगा सर। अभी देखो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? तो निगेटिव। अभी ये कैसे आ गया सर? अभी सिंपल चीज है, तुम्हें हाइट गिनना है भाई। मान लो ए इसका बेस है, ए इसका ए पॉइंट है, ए मान लो, लेट से, अरे किधर के, हाँ चलो इसी फिगर से निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है, ए बी डैश और ए डैश क्या है तुम्हारा? इमेज है, इमेज का हाइट गिनना है तुम्हें, यानी बी से कहाँ पे, बी से ए का डिस्टेंस गिनना है। तो कहाँ पे जाओगे तुम? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे। अभी पोल के ऊपर जाने के लिए मैंने बोला है, पोल के ऊपर कब जाओ? जब तुम राइट और लेफ्ट जाना चाहते हो तो पोल पे ऊपर जाओ। तुम ऊपर और नीचे जाना चाहते हो तो किसके ऊपर बैठ जाओ? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अभी मैं बैठ गया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अभी मुझे कहाँ पे जाना है? ए को गिनने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मेरे सारे वैल्यूज कौन से आ जाएंगे? नंबर्स निगेटिव आ जाएंगे। सर पॉजिटिव कब आएंगे? तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करता हूँ तो मेरे वैल्यूज कौन से आ जाएंगे भाई? पॉजिटिव आ जाएंगे। तो बेसिकली इन्वर्टेड यानी कैसे होंगे रे? इन्वर्टेड यानी उल्टा हुआ इमेज होगा, यानी बेसिकली वो इमेज कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है? हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव होगा। और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? पोल से तुम्हें इमेज का डिस्टेंस गिनना है, यानी बेसिकली हम डिस्टेंस तो हमेशा पोल से गिनते। वापस देखो, राइट एंड लेफ्ट जाना है तुम्हें। अभी देखो हाइट बोला तो भाई हाइट हवा में रहता है, तो ऊपर और नीचे जाना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर इमेज का डिस्टेंस पूछा पोल से, तो राइट और लेफ्ट जाना पड़ता है। बस दो तीन चीजें याद रखो, कभी नहीं भूलोगे, और सारी चीजें 12th में भी होती है, तुमको वापस पूरा इजी जाएगा सारी की सारी चीजें, ठीक है? चलो देखो, अभी मैं, मुझे क्या गिनना है भाई? इमेज का डिस्टेंस गिनना है। तो मैं बैठ जाऊंगा ये पोल की तरफ, फिर देखूंगा इमेज इधर है कि इधर है रे।
तो इमेज है लेफ्ट साइड में, तो मैं ट्रैवल करूंगा लेफ्ट साइड में गिनने के लिए, है ना। मेरे पास एक टेप होगा गिनने का और मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो बेसिकली आई एम ट्रैवलिंग इन द निगेटिव डायरेक्शन, ओके। सो मेरे सारे डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगे, निगेटिव। कितना भी गिनो, तुम कितना भी दूर जाओ, चाहे इन्फिनिटी तक के चले जाओ, तो तुम्हारे डिस्टेंस को साइन कौन सा लगेगा, निगेटिव। पॉजिटिव कब लगेगा सर, तो तुम पोल के राइट साइड में जाओगे तब कौन सा लग जाएगा भाई, पॉजिटिव लग जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर इमेज होता है तुम्हारा रियल, ये पूरा अगर तुमने इतना ध्यान में दे दिया ना, तो इमेज कैसे फॉर्म होता है, कुछ भी रटने का नीड नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होगा इमेज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है कभी भी, तो इमेज कैसे होता है, इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा हुआ इमेज होगा। उल्टा हुआ इमेज हो गया तो हाइट भी क्या होगा उसका, निगेटिव हो जाएगा। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो पोल की इस डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्टेंस भी इतना आ जाएगा, निगेटिव। वर्चुअल इमेज का पूरा उल्टा होता है भाई इससे, ठीक है। चलो उल्टा कैसे होगा, तो इमेज फॉर्म होगा भाई पिछवाड़े में, जैसे बिहाइंड मिरर फॉर्म होने वाला इमेज है, यानी इसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज। सेकेंड थिंग, इमेज होता है इसका इरेक्ट। अभी देखो जो वर्चुअल इमेज होता है ना, सारे के सारे इमेज इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट इन द सेंस क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रही है इमेज सारी, इरेक्ट यानी ऊपर ग्रो हो रहा है इमेज। इन्वर्टेड यानी प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज ग्रो होता है डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। अभी इरेक्ट इमेज है, ओके, इरेक्ट इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ है, बिहाइंड द मिरर हुआ है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ पे जाओगे, ऊपर जा रहे हैं यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इमेज कौन सा होगा तुम्हारा, हाइट ऑफ इमेज कौन सा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। इमेज डिस्टेंस कौन सा होगा, सो पोल से तुम कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, पोल से ट्रैवल कर रहे हो तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इमेज क्या, डिस्टेंस क्या हो जाएंगे तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो आपको इतना याद रखना है, लिंक करो टॉपिक को। वर्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज कैसे फॉर्म होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट होने के बाद में उसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कभी भी पॉजिटिव यानी मैं नंबर बोल रहा हूँ, जैसे 2 प्लस प्लस 2। निगेटिव यानी क्या होता है, माइनस साइन लग जाता है। आपको समझेंगे आगे जाके, ओके। सेकेंड चीज क्या होता है सर, तो इमेज इज डिस्टेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी सभी इसमें पॉजिटिवनेस आता है। सिर्फ एक ही काम क्या है वर्चुअल इमेज का, छुप छुप जाता है भाई, और छुपके से वार करता है, तो खड़ा भी है, पॉजिटिव भी है, और दोनों भी क्या है, हाइट और इमेज भी पॉजिटिव है। मैं इसके ऊपर बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आपके ये समझ में आ जाता है ना, तो आगे वाले सारे टॉपिक सिंपल लग जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपरली ध्यान दो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के ऊपर, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी प्लेन मिरर इमेज फॉर्म देखेंगे हम, प्लेन मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी आपको इतना याद रखना है, जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो होता है तुम्हारा वर्चुअल इमेज। वापस देखो, वर्चुअल बोला सर ने, इमेज कहाँ पे होगा रे, बिहाइंड द मिरर होगा। अगर समझ में आता है ना भाई, तो कमेंट में बोलो कितना सिंपल टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा है और कितना सिंपल लग रहा है। अभी देखो सिंपल, रटना नहीं है। वर्चुअल इमेज कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, बिहाइंड द मिरर अगर इमेज फॉर्म हुआ तो कैसे होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, देखूंगा भी नहीं इसे कुछ भी। इरेक्ट हो गया यानी क्या होगा, हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंस भी क्या होगा उससे, पोल से पॉजिटिव, खत्म काम। अगर मैंने बोला रियल इमेज है तो क्या होगा रे, इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड इमेज कैसे रहता है, लटका हुआ रहता है उल्टा, यानी इन्वर्टेड यानी नीचे रहता है, तो हाइट क्या होगा उसका। जैसे रियल इमेज फॉर्म कैसे होता है, कहाँ पे रियल इमेज होता है, हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओके सर। इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज फॉर्म हुआ तो कैसे होता है भाई, उल्टा हुआ होता है। उल्टा इमेज यानी क्या होता है, हाइट भी उसका निगेटिव, और डिस्टेंस भी क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज तुम पोल की इस डायरेक्शन में हो रहे हो। बस इतना भी याद हो गया ना, तो कुछ भी नीड नहीं है, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, प्लेन मिरर में सिर्फ आपको इतना रखना है, इमेज होगा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज फॉर्म होने के बाद में वर्चुअल कैसे रहता है, इरेक्ट रहता है, ठीक है। सेकंड चीज, प्लेन मिरर में क्या होता है, तुम्हारा जितना साइज होता है ना, उतना ही साइज दिखाई देता है। जैसे हमने दीदी का एग्जाम्पल देखा था, लैला का, उसका जितना हाइट था 20 मीटर, तो प्लेन मिरर भी उसका हाइट कितना दिखाता है, 20 मीटर ही दिखाता है। जितने साइड का ऑब्जेक्ट रहता है, उतने साइज का क्या होता है, इमेज। अभी सर इसमें इमेज आपने पीछे क्यों दिखाया, बिकॉज इमेज कौन सा है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर, और कैसे होता है, इरेक्ट होता है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसे दिखाया, ठीक है। तो लैटरली इन्वर्टेड बोला जाता है, ऐसे मान लो सेम साइज होता है, और इन्वर्टेड नहीं, सेम साइज और इक्वल, इरेक्ट इरेक्ट ही बोलेंगे उसे, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड है, गलत पॉइंट आ गया, आप इसे ध्यान में देना आपको, ठीक है, चलेगा। तो आपको प्लेन मिरर अगर याद आ गया, तो क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ इक्वल साइज। मजा तो आएगा भाई दोनों मिरर में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। अभी पहले इसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या है और कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर, अभी क्या चीज है। तो लेट से अगर मैंने सर्कल लिया, सर्कल का मैंने केव वाला पार्ट ले लिया, राइट वाला पार्ट, तो राइट वाला पार्ट देखो और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, यानी कर्व का सेंटर, अगर उसके जैसे मान लो फेस होगा, जो मिरर का जो फेस होगा वो अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ओके, अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगा, बेसिकली मिरर का फेस या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका, ये वाला जो मैंने डॉटेड सीलिया टाइप दिखाया है, ओके, हेयर की तरह, तो वो हो जाता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर में क्या होता है सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी वो आगे लाया करता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे देखो ये एक फिगर होगा, इसी को मैंने ऐसे नीचे दिखाया, जो हम फिगर यूज करेंगे हर बार बुक में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, देखो अभी कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, तो ये रेस को कन्वर्ज करता है ना, जोड़ने का काम करता है भाई, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे ही रेस सारे आ गए, तो इसमें क्या हो रहे, सारे रेस जैसे हमने पैरेलल रेस इंसिडेंट किए, ओके, पैरेलल अगर मैंने इंसिडेंट इस पे किए, तो इसमें क्या होता है, सारे रेज एक पॉइंट पे जमा हो रहे हैं, है ना, जमा यानी मिक्स हो रहे वहां पे। तो उस पॉइंट को जहां पे सारे रिफ्लेक्टेड रेज कंबाइन होते, कॉन्वर्ज होते, उसे कहा जाता है फोकस। अभी यहां से और मजा आएगा, एक एक टर्म मैं आगे आगे पढ़ा रहा हूँ। फोकस यानी क्या होगा, द पॉइंट एट विच ऑल द रेज मीट, इतना सिंपल डेफिनेशन, उसे कहा जाएगा फोकस। अभी मिरर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, तो मिरर पढ़ रहे भाई कॉनकेव मिरर। अभी मुझे क्या करना है, इतना डिस्टेंस गिनना है रे, ओके, P और F वाला डिस्टेंस गिनना है। तो मैं क्या करूंगा, वापस बैठ जाऊंगा P की तरफ, देखूंगा इधर, देखूंगा इधर, देखूंगा जाना किधर है, जाना इस डायरेक्शन में, तुम इधर चलना स्टार्ट करूंगा, ओके सर मिल गया डिस्टेंस। लेकिन तुम किस डायरेक्शन में गए, तुम गए निगेटिव डायरेक्शन में। तो ऐसा बोला जाता है कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ यानी क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड फोकस, वो हमेशा आता है निगेटिव। निगेटिव क्यों आता है, रटना है क्या, नहीं, अभी सर ने पढ़ाया, बिकॉज जो फोकस होता है उसका, वो होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, इसीलिए वो डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इससे दो तीन चीजें आपको पता चल गई, कॉनकेव मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका कॉनकेव वाला पार्ट, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट होगा, फोकल लेंथ भी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में होता है जहां पे रेस कॉन्वर्ज हो जाती है सारी की सारी, और वो कैसे होगा उसका, हमेशा निगेटिव होता है। इसका उल्टा होगा कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन उससे पहले कुछ यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के। अभी आपको क्या करना है, कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, जैसे मान लो इमेज को थोड़ा बड़ा करता है, ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे यूज करता है, तो ये यूज होते हैं तुम्हारे टॉर्चेस में, जो हेड रात के अंधेरे में यूज करते हैं हम टॉर्चेस, वहां पे होता है कॉनकेव मिरर। सर्च लाइट्स जो सी शोर पे रहते हैं कुछ रेकी करने के लिए, हाई व्हीकल के जो हेडलाइट्स होते हैं, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिरर में अलग होता है, मिरर जो बोला तो कॉन्वेक्स होता है, और लेकिन हेडलाइट्स में बोला तो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। शेविंग मिरर अगर आपको प्रॉपरली बड़ा साइज करना है, कट नहीं होना चाहिए, तो वहां पे ये होता है, डेंटिस्ट वाले मिरर में होता है कॉनकेव मिरर, और सोलर फर्नेस है जहां पे खाना गर्म करने के लिए चीज होता है पकाने के लिए, वहां पर भी कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अब ये पूरा उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स क्या होगा, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो रेडियस ऑफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो बिहाइंड द मिरर लाई करेगा। अभी सारे पता कैसे चलेगा मिरर कौन सा है, तो वहां पे दिया रहता है भाई, ठीक है। और सिंपल चीज है, देखो मैं जहां पे उसके सीलिया निकाल रहा हूँ वो होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, ये वाला, तो ये मिरर ऐसे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो कहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, आगे है क्या रे, आगे नहीं है, तो आगे नहीं है तो पीछे है, तो बेसिकली इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर लाए बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे लाए करता है, ठीक है। सेकेंड चीज देखो, अभी फोकस निकालो इसका, फोकस कहाँ पे होगा, तो बेसिकली जहां पे रेज क्या होती है, कॉन्वर्ज हो जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको इतना चीज याद रखना, हमेशा ये फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज, मैं अभी बता दे रहा हूँ, पूरे कॉन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल यानी इमेज कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रहता है कहीं, तो भी यहाँ पे फोकस रह जाता है, ठीक है। अभी फोकस, फोकस लेंथ गिनना है तुम्हें, यानी फोकल लेंथ गिनना है, तो क्या करोगे रे, तो फोकस पे पोल पे बैठ जाओगे और फोकस की तरफ चलना चालू कर दोगे, तो ये जो डिस्टेंस मिल जाएगा तुम्हें, ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, फोकल लेंथ वाला। अभी देखो कहाँ पे चल रहे तुम चल रहे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो तुम्हारा जो फोकल लेंथ होगा कौन सा आ जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, पोल की इस तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ जा रहे हो तो भाई निगेटिव वैल्यू। तो आपको ये भी याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर अगर मैंने लिया है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो फोकल लेंथ होगा उसका होगा पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म होगा हमेशा वर्चुअल। कॉनकेव में सभी टाइप की इमेज फॉर्म होती है, इसलिए आपने इसका एप्लीकेशन देखा होगा, बहुत जगह यूज होता है, ओके, इसमें वर्चुअल भी इमेज फॉर्म होता है, रियल भी होता है। कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही टाइप का इमेज फॉर्म होता है, दैट इज वर्चुअल इमेज। ये यूजेस कहाँ पे होते हैं इसके, तो यूजे इसके यूजेस होते हैं एक ही जगह होता है, दैट इज रियर व्यू इन द मिरर व्हीकल, यानी इसे क्या करता है, बहुत ही बड़ा जो पार्ट होगा उसका एक स्मॉल स्मॉल चंक में देके उसे यहाँ पे दिखाता है। जैसे मान लो इस पूरे मिरर में इतने से साइज में आपको बहुत ही बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है, यानी ये क्या करता है, लार्ज इमेज को स्मॉल करने का काम करता है, डिमिनिश करने का काम करता है, ओके। तो ये होगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स में यहाँ पे चाहिए कॉन्वेक्स, ओके, कॉनवेक्स मिरर। तो अभी हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया, लेकिन ये तीन पार्ट में लेक्चर बना रहा हूं मैं, एकदम सिंपल लेक्चर हो गए। तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया सर आपने, आज के लेक्चर में पढ़ा लाइट, पढ़ाया सर आपने लाइट स्टार्ट किया कैसे, क्या ये चीज होता है, उसके बाद हमने लाइट के कुछ फॉर्म्स देखे अलग अलग टाइप के। सेकेंड हमने देखा मिरर क्या चीज होता है, टाइप्स ऑफ मिरर देखे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
ओके, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है वो देखा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज देखा, ओके। सेकेंड चीज कॉनकेव मिरर देखा, क्या चीज होता है, कॉन्वेक्स देखा, कौन कॉन्वर्जन होगा, कौन डाइवर्जिंग होता है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा, जिसमें मिरर फॉर्मूला होगा। आपको होप सो लेक्चर पसंद आ रहा है, प्रॉपरली इसे एक बार देखो। मैं कल ही एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स मिरर फॉर्मूला के, उसके बाद में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। सो टिल देन पढ़ाई करते रहो, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।